एसआई न्यूज, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज स्पेशल प्रोग्राम में। आपको बता दें कि आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम यहां पर ऐसी चीज को लेकर बात करने वाले हैं जो काफी ज्यादा ही इन दिनों ट्रेंड का कारण बने हुए हैं। दरअसल हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर को लेकर। हर कोई जानता है कि ऋषि कपूर जो है इन दिनों वो न्यूयॉर्क में है और अपनी किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। तो वहीं अब तक उन्हें कौन सी बीमारी है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यहाँ तक खबरें तो ये भी कह रही हैं कि ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करवाने गए हैं, मगर अब तक इस खबर पे मोहर नहीं लगाई गई है। जी हाँ, जो तमाम तरह के सूत्र कह रहे हैं, जो तमाम तरह की सोशल मीडिया पर अफवाहें आ रही हैं, उनका मानना है कि ऋषि कपूर को कैंसर हो गया है। मगर जब ये अफवाहों का बाजार ज्यादा गर्म हो गया था, तब ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर ने जम के लताड़ भी लगाई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि अभी ऋषि कपूर के टेस्ट होना बाकी है और एक ऐसा टेस्ट है जो अभी नहीं हुआ है। तो वहीं एकदम से ये कह देना सही नहीं होगा। ऐसे में हाल ही में न्यूयॉर्क की जहां बात हो रही है, तो आप सभी के जहन में आ रहा होगा कि न्यूयॉर्क में सोनाली बेंद्रे अपने कैंसर का इलाज करवा रही हैं। जी हाँ, यहां पर हाल ही में जहां पर हमने आपको पहले एक प्रोग्राम में दिखाया था कि न्यूयॉर्क से ऋषि कपूर की जो तस्वीर सामने आई थी जिसमें ऋषि अनुपम खेर के साथ दिखाई दे रहे थे, तो वहीं हाल ही में उनसे मुलाकात की है सोनाली बेंद्रे ने, उनके पति गोल्डी बहल ने। इतना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा की भी मुलाकात की गई। क्या कुछ रहा पूरा मामला, किस तरह से यहाँ पर ऋषि कपूर की जो तस्वीर सामने आई है उसमें आप भी उनकी तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह से ऋषि कपूर जो है अपने दर्द को छुपा रहे हैं, उनके चेहरे को है तमाम चीजें, यहाँ पर वो मुस्कुरा रहे हैं। मगर कहते हैं ना, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। ऐसा ही कुछ ऋषि कपूर की इस तस्वीरों से भी पता चल रहा है। क्या कुछ है आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर जो इन दिनों न्यूयॉर्क में अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। जी हाँ, ये हर कोई जानता है कि ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में यहाँ पर अपने परिवार के साथ है, जहाँ पर हाल ही में ऋषि कपूर की मम्मी यानी कि कृष्णा राज कपूर ने जब इस दुनिया को अलविदा कहा तो हर कोई कपूर परिवार का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दिया। हर किसी ने कृष्णा राज कपूर के अंतिम दर्शन किए, मगर अफसोस कृष्णा राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर मुंबई नहीं आ पाए, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें भी सामने हुई। मगर इसी बीच जहां पर ऋषि कपूर ने पहले ट्वीट करके फैंस से दो दिन पहले ही उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी थी कि वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां पर वो अपनी बीमारी का इलाज करवाएंगे। हालांकि अभी भी सवाल यही है कि आखिरकार ऋषि कपूर कौन सी बीमारी का इलाज करवाने के लिए न्यूयॉर्क गए हैं। जी हाँ, अब तक तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं, तमाम तरह के रूमर सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऋषि कपूर जो है उन्हें कैंसर हो गया है और वो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए न्यूयॉर्क गए हैं। मगर जब ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर फैलने लगा, तब ऋषि कपूर के भाई यानी कि रणधीर कपूर ने एक ट्वीट करके इस बात के लिए खंडन किया, जहां पर उन्होंने कहा कि अभी ये चीज डिक्लेयर नहीं हुई है, ऋषि कपूर के तमाम टेस्ट होना बाकी है और एक टेस्ट ऐसा होना है जिसकी रिपोर्ट के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिरकार ऋषि कपूर को कैंसर है या फिर नहीं। तो ऐसे में ऋषि कपूर जहां पर पिछले दौरान ऋषि कपूर, हमने आपको बताया कि बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, तो वहीं हाल ही में प्रियंका चोपड़ा भी ऋषि कपूर से मिली है। जी हां, इतना ही नहीं, ऋषि कपूर प्रियंका चोपड़ा के अलावा यहां पर गोल्डी बहल से उन्होंने मुलाकात की, सोनाली बेंद्रे से उनकी मुलाकात हुई, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। जी हाँ, हर कोई जानता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे इन दिनों न्यूयॉर्क में अपनी कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़ रही हैं, वहां पर वो अपना इलाज करवा रही हैं।
तो ऐसे में जब वहां ऋषि कपूर भी पहुंच चुके हैं तो सोनाली बेंद्रे गोल्डी बहर के साथ ऋषि कपूर को यहां पर देखा जा रहा है। मगर वहीं अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आपको यहां पर ऋषि कपूर की तबीयत का अंदाजा उनके चेहरे से हो जाएगा। भले ही वो यहाँ मुस्कुरा जरूर रहे हैं मगर कहते हैं ना कि आप इतना मुस्कुरा रहे हैं कौन सा गम है जो छुपा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ ऋषि कपूर के साथ भी है। आपको बता दें एक और तस्वीर आप देख रहे होंगे जिसमें नीतू कपूर, प्रियंका चोपड़ा और ऋषि कपूर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें प्रियंका चोपड़ा ने इस तस्वीर को अपने खुद सोशल मीडिया हैंडल यानी कि इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने एक कैप्शन भी दिया और वो कैप्शन कुछ इस तरह है, वॉज सो गुड सीइंग यू बोथ नीतू ऋषि कपूर, लाफ्टर एंड स्माइल एज ऑलवेज। मानो कहीं ना कहीं जब ये पोस्ट सामने आया तब फैंस जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऋषि कपूर को कौन सी बीमारी हुई है। उसके बाद तमाम फैंस यहां पर कमेंट करते दिखाई दिए कि आखिरकार ऋषि कपूर को कौन सी बीमारी है, प्लीज उसकी जानकारी दी जाए। मगर आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ऋषि कपूर ने सोनाली बेंद्रे से यहां पर मुलाकात की वाकई ही ये काफी दिलचस्प रहा, क्योंकि इससे पहले वो अनुपम खेर से मुलाकात कर चुके हैं जहां पर अनुपम खेर भी न्यूयॉर्क में ही है। तो सोनाली बेंद्रे जहां पर अपनी कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करवा रही हैं, तो ऐसे में ऋषि कपूर ने उनसे मुलाकात की। माना ये तस्वीर जो है वाकई ही भावुक कर देने वाली है। अगर बात करें सोनाली बेंद्रे की तो उनकी इस तस्वीर में देखकर ये कहा जा सकता है कि सोनाली का जो ट्रीटमेंट है वो लगातार एकदम सही चल रहा है। जिस तरह से सोनाली यहाँ पर बाज लुक में कैप पहने हुए दिखाई तो दे रही हैं, मगर उनके चेहरे पर वो जितनी पॉजिटिव है उनकी पॉजिटिविटी और उनका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी ही फैंस पहले देख चुके हैं। तो ऐसे में अब ऋषि कपूर की उनसे मुलाकात होना मानो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक काफी अच्छी चीज भी है। यहाँ पर बॉलीवुड के तमाम सदस्य जो है वो बाहर जाकर भी मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में ऋषि कपूर की बीमारी का अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। बाकी ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ऋषि कपूर की वो उनकी बीमारी को झलकाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। आप उनकी तस्वीरों को देख सकते हैं जो जिस तरह से यहाँ पर चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप उनके चेहरे पर अगर गौर करेंगे तो उनके चेहरे पर उनका दर्द साफ साफ झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर हम यही कहेंगे कि आप अपना प्यार और अब अपनी दुआएं ऋषि कपूर के लिए भेजते रहे, क्योंकि कहते हैं कि दुआओं का असर जरूर होता है। सो वेल फ्रेंड्स, आपने स्पेशल प्रोग्राम में देखा जहां हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर को लेकर। वाकई ही यहां पर आपने जो तस्वीरों को देखा उन तस्वीरों को देखने के बाद आपके जहन में भी ये जरूर आ रहा होगा कि ऋषि कपूर आखिर कौन सी बीमारी का इलाज करवाने गए हैं। यहां पर उनका चेहरा, हालांकि उनकी उम्र बढ़ रही है मगर उनके चेहरे पर तमाम तरह की यहाँ पर परेशानी और दर्द को भी देखा जा रहा है। हालांकि अब तक ऋषि कपूर का एक ही ट्वीट सामने आया था जब ऋषि कपूर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए थे, मगर उसके बाद कोई भी ट्वीट, कोई भी जानकारी उनकी बीमारी को लेकर उन्होंने भी साझा नहीं की है। आपको बता दें कि वहां पर उनके साथ नीतू कपूर को भी देखा गया, तो वहीं यहां पर हर किसी की इंस्पिरेशन बनी सोनाली बेंद्रे भी दिखाई दी। सोनाली बेंद्रे जहां पर वो अपने कैंसर का इलाज करवा रही हैं, तो वहीं ऐसा लग रहा है कि सोनाली की इस तस्वीर को देखकर कि उनका कैंसर का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो यकीनन काफी सही तरह से चल रहा है। ये आप सभी की दुआओं का असर है। तो वहीं हम यही कहेंगे कि आप ऐसे ही प्यार, ऐसी ही दुआएं जो हैं लगातार आप भेजते रहें ऋषि कपूर के लिए भी, क्योंकि अभी तक ऋषि को कौन सी बीमारी है इसका खुलासा नहीं हुआ है और फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऋषि कौन सी बीमारी से जूझ रहे हैं ये बेहद ही जल्द पता भी चलेगा। हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप ऐसे ही अपना प्यार और अपनी दुआएं ऋषि कपूर के लिए भेजते रहे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।